दिल्ली दर्पण टीवी पेश करते हैं 15 अगस्त 15 कहानियां। पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ था और भारत 15 अगस्त को। पाकिस्तान हर साल भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को अपनी आजादी का दिन मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त को इसके जश्न में डूबता है। आजादी एक दिन में नहीं बल्कि वर्षों के संघर्ष के बाद मिली। आजादी के लिए पहला बलिदान 1857 में दिया गया और इस संघर्ष के हीरो थे मंगल पांडे। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसे पूरी दुनिया ने सुना लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं, क्योंकि वो 9 बजे सोने चले गए थे। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया लेकिन उसका कोई अपना राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये हमारा राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था, लेकिन गांधी जी इसमें शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि वो इस समय कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिम के दंगों को रोकने में लगे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा 15 अगस्त तक नहीं थी, ये 17 अगस्त को डेड क्लिफ लाइन के रूप में खींची गई थी। अमेरिका को आजाद हुए 240 साल हो चुके हैं लेकिन भारत को सिर्फ 70 साल, और आज भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हर स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 1947 में ऐसा नहीं हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया था। आजादी के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन करके गोवा को अपना हिस्सा घोषित कर दिया था। फिर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय फौज ने गोवा पर अपना कब्जा कर भारत का हिस्सा बना लिया। 15 अगस्त 1947 को एक रुपया एक डॉलर के बराबर हुआ करता था और सोने का भाव 88 रुपए 62 पैसे प्रति ग्राम था, और आज डॉलर की कीमत बहुत बढ़ चुकी है और सोने की कीमत बहुत ज्यादा। 15 अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। 15 अगस्त 1972 को भारत में डाक पिन की शुरुआत की गई, ये 6 अंकों का नंबर होता है। 15 अगस्त 1982 को इंदिरा गांधी के भाषण के साथ भारत में टीवी पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त को 1971 में आजाद हुआ, और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ। भारत के 15 अगस्त को ही आजाद होने के पीछे एक वजह है। भारत को किसी भी दिन आजाद किया जा सकता था, लेकिन भारत में अंग्रेजी सरकार के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश को 15 अगस्त को ही आजादी घोषित करने का निश्चय लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन ठीक 2 वर्ष पहले यानी 15 अगस्त 1945 को जापान ने खुद को मित्र देशों के सामने समर्पित किया था। दिल्ली दर्पण की 15 अगस्त 15 कहानियां में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर